मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल आपने किसानों के लिए नहीं चर्चा की, नौजवानों की बेरोजगारी की चर्चा नहीं आई। किसानी की लहर किसकी है? समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन अखिलेश की या समाजवादी पार्टी? क्या इस बार ये मिथक टूटेगा कि ये यादवों की सरकार है या आम जनता की सरकार है? 2022 का चुनाव है या 2024 का चुनाव? क्या अखिलेश यादव ये भरोसा और धर्मेंद्र यादव इस मंच से भरोसा दिलाएंगे कि हमारी सरकार आएगी जो हमारे वादे और खासतौर पर रोजगार को लेकर हमें वो प्राथमिकता सूची मिलेंगे? तो सपा की साइकिल की रफ्तार क्या है और क्या इस बार समाजवादी पार्टी इतिहास रचेगी जिसका दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कर रही है? इस वक्त हमारे साथ खुद दो के दम में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक, बदायूं के पूर्व सांसद और सपा के सबसे मजबूत चेहरों में से एक, खुद धर्मेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही, सपा की तैयारी लेकिन अखिलेश जिस लहर का जिक्र कर रहे हैं, आपका आकलन क्या बताता है? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं और मैं समझता हूं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच, जनता के बीच जो माहौल देखने के बाद दावा किया है, और बहुमत तो हम चौथे चरण तक पा चुके हैं। पांचवा चरण जहां आज चुनाव हो रहा है, कल छठवें चरण में यहां भी होना है और सातवां चरण जाते जाते हम लोग ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ जाएंगे। ऐतिहासिक जीत बीजेपी कह रही है 300 पार, आपका भी तो आकलन होगा, पूरे यूपी घूम रहे हैं आप। नहीं, बीजेपी ने बहुत सारी बातें पहले भी कही थी, उनकी बातें कितनी सच निकली उसके आधार पर ही इस दावे को भी सच माना जाए। आपका आकलन इसी कितना? बीजेपी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, इसी बीजेपी ने कहा था कि महंगाई कम होगी, इसी बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। अगर ये सब दावे कहीं सच हुए हों तो आज का चुनाव का भी दावा उनका मान लीजिए, नहीं और सर, नहीं हुए हैं आपके साथ, तो इन दावों को मानने की जरूरत नहीं है। आपके बड़े नेता सन्नी यादव जी कह रहे थे कि 300 पार तो हमारा आंकड़ा है, मैं तभी आपसे पूछ रहा था कि आपका कितना आंकड़ा है। बिल्कुल 300 पार होगा और बहुत ऐतिहासिक परिणाम माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। 300 पार एकदम एकदम बहुमत तो हम पा चुके हैं चार चरणों में लाके। धर्मेंद्र जी, चाचा शिवपाल के आने से कितना फायदा मिलेगा? स्वाभाविक तौर पे जब कोई आता है तो जरूर उसको फायदा मिलता है। आदरणीय शिवपाल चाचा जी आए, उनसे भी फायदा मिला है और जितने भी हमारे साथ गठबंधन जुड़े हैं, सभी गठबंधनों ने मिलके समाजवादी पार्टी के इस पूरे के पूरे कारवां को ताकत दी है और मैं समझता हूँ सबका अपना अपना योगदान है। ओबीसी फैक्टर दिख रहा है? कोई फैक्टर नहीं है इस समय, सिर्फ एक फैक्टर उत्तर प्रदेश में, परिवर्तन का फैक्टर, और उस परिवर्तन के फैक्टर का झंडा लेके समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। लहर किसकी है? समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन अखिलेश की या समाजवादी पार्टी की? एक ही बात है, कोई अंतर नहीं दोनों चीजों में। मतलब वो तो नहीं है कि जैसे मोदी सरकार या अखिलेश सरकार या समाजवादी की सरकार? समाजवादी की सरकार है जिसके लीडर आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, चेहरा आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। इसमें क्या ना गुमराह करने की ना घुमाने की आपको जरूरत है, ना कोई घूमने की आवश्यकता। अच्छा, क्या चला, गन्ना या जिन्ना? स्वाभाविक तौर पे गन्ना चलेगा, किसानों की समस्याएं चली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पहले चरण दूसरे चरण के चुनाव हुए वहाँ के किसानों ने परिवर्तन करके दिखा दिया है और पूर्वांचल के लोगों को एक ऐसा माहौल दिया है जिस माहौल की पूर्वांचल के लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी, ऐसा पश्चिम के किसानों ने परिवर्तन की एक लहर चलाई है, उस लहर को आधी और तूफान में बदलने का काम पूर्वांचल लोग करेंगे। ओवैसी का जिक्र आपने कहा कि कोई ओवैसी फैक्टर काम नहीं कर रहा, राजभर फैक्टर? स्वाभाविक है, राजभर जी मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारी पार्टी के गठबंधन के साथी हैं, बिल्कुल उनके आने का लाभ मिला है, लोकदल के आने का लाभ मिला है। ओवैसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया आपको? कोई नुकसान नहीं, जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, जो इनकी गलत नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। और आज ही मैं जहां वोटिंग चल रही है, अगर आपके वहां पे संवाददाता हूं तो पूछिए, प्रतापगढ़ जैसे जिले में ऐतिहासिक परिवर्तन आज हो रहा है। अच्छा, भागीदारी संकल्प मोर्चा जो था राजभर जी का तथाकथित, जिसका जिक्र किया जा रहा था, तो उसमें तो ओवैसी भी थे ना, आपने उनको साथ क्यों नहीं लिया? देखिए, आप क्या कोई मुद्दे विशेष से मैनेज हैं क्या एक सवाल पर टिके हुए? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल आपने किसानों के लिए नहीं चर्चा की, नौजवानों की बेरोजगारी की चर्चा नहीं आई, किसानी के महंगाई की चर्चा नहीं आई आपके सवाल में, उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता की चर्चा नहीं आई, किसान आइए इन मुद्दों पर, बाकी जिसको जिधर रहना है वो मैदान में आ चुके हैं, आज पांचवें चरण के वोट पड़ रहे हैं, अभी मुद्दा नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया क्यों नहीं आया क्यों आया, हमारा आज मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, उत्तर प्रदेश की महिलाओं का,
कौन उनकी उम्मीदों को और आशाओं को पूरा कर रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ इसी पे मैं बात करता हूँ। क्या इस बार ये मिथक टूटेगा कि ये यादवों की सरकार है या आम जनता की सरकार है? आम जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, नौजवानों की सरकार होगी, महिलाओं की सरकार होगी, व्यापारियों की सरकार होगी, समाज सरकारी कर्मचारियों को न्याय देने वाली सरकार होगी। समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारे चुनावी घोषणा पत्र में चीज़ों को समायोजित किया गया है। और आप एक चीज़ जानते हैं और पूरा उत्तर प्रदेश मानता है इस बात को कि समाजवादी पार्टी जिन बातों के लिए चुनाव में वादा करती है उससे भी ज़्यादा सरकार में योजनाएं चला के उन बातों को पूरा करती है। आप पार्टी के बड़े नेता हैं, मैं आपसे दिल से ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं कि 2022 का चुनाव है या 2024 का चुनाव, क्योंकि अखिलेश में इस वक्त नेता देख रही है जनता और सीधे तौर पर संकेत और संदेश साफ है, 2024 का चुनाव तो नहीं है। देखिए स्वाभाविक तौर पर जैसा आप सब लोग जानते हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश मानता है इस बात को कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा को फतेह करना हमारी पहली प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और उत्तर प्रदेश की जनता की हम जिम्मेदारियां पूरा करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश से ही 24 का रास्ता निकलना है। माननीय नेताजी का एक सपना था मुलायम सिंह यादव जी का तीसरे मोर्चे का, अखिलेश यादव में वो चेहरा दिखाई देता आपको? बिल्कुल, आदरणीय अखिलेश यादव जी को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तो मानती ही मानती है, पूरे देश का नेतृत्व तो उनको एक बेहतर चेहरे के तौर पर, एक आदरणीय ममता जी आई थी अभी लखनऊ में जी, फिर बनारस में आने वाली है, और भी दलों के बिहार के लोगों का सहयोग मिला है, समर्थन मिला है स्वाभाविक तौर पर। लेकिन अभी हमारी लड़ाई और टारगेट सीधा का सीधा उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। बिहार में जो चुनाव हुए उसमें तेजस्वी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और फिर वो कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट लहर भी थी और यही स्थिति यहाँ पर आपके साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट? तेजस्वी जी के साथ वहाँ पे गलत हुआ है, बेईमानी हुई है और बिहार के बाद बंगाल भी हुआ है, बिहार से बंगाल ने सबक लिया है और बंगाल ने देश को रास्ता दिखा दिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना आप लोगों ने बहुत बड़ा एक छोड़ा है कि पुरानी पेंशन योजना हम वापस लाएंगे, दाव जो खेला है तो आप उस पे आप रहेंगे, मतलब यूपी की जो हालत मैंने है? मैंने आपसे कहा जी 1989 से लेके आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों में चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तीन बार आरडी नेताजी के नेतृत्व में, एक बार आरडी अखिलेश जी के नेतृत्व में। चारों सरकारों के चुनाव के घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि समाजवादी पार्टी का चुनाव का घोषणा पत्र छोटा पड़ा, समाजवादी सरकार के किए हुए काम बड़े थे। इसी तरह से मैं आज कह सकता हूं जो भी घोषणा पत्र में बातें कहीं, चाहे वो पेंशन का सवाल हो, चाहे तो संविदा कर्मचारियों के समायोजन का सवाल हो, चाहे हमारी गरीब माताओं बहनों को 1500 रुपए की समाजवादी पेंशन देना हो, चाहे गरीब लोगों को राशन में न केवल गेहूं चावल बल्कि उसके साथ साथ पौष्टिक आहार, चाहे दाल हो, दाल हो, चने हो, घी हो, तेल हो, मिल्क पाउडर हो, इन चीज़ों का सवाल हो, या मुफ्त में 300 यूनिट बिजली का सवाल हो, या मुफ्त सिंचाई का सवाल हो, या लैपटॉप की योजना हो, कन्या विद्या धन की योजना हो, ये जो भी घोषणाएं की हैं समाजवादी पार्टी ने अक्षरशः न केवल पूरा करेंगे बल्कि मुझे यकीन है कि हमारे नेता इससे भी बढ़ के काम करके दिखाएंगे। यादव जी, हमारा एक नारा है पक्ष ना विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष, और हम निष्पक्ष होकर ही सवाल पूछ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीते या हारे, ये लोकतंत्र है। क्या आपके जो प्राथमिकता सूची में रहा वो सबसे ईमानदारी से रहा रोजगार? क्या अखिलेश यादव ये भरोसा और धर्मेंद्र यादव इस मंच से भरोसा दिलाएंगे कि हमारी सरकार आएगी जो हमारे वादे और खास तौर पर रोजगार को लेकर हमें वो प्राथमिकता सूची मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। समाजवादी पार्टी के बारे में बार बार मुझे ना दोहराने दीजिए कि अनुमति वो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आज तक आपने अरे जितनी भी आरवी सरकारें बनी हैं उससे पूर्व चुनावों के घोषणा पत्र देखेंगे तो पाएंगे कि घोषणा पत्र छोटे हो गए, हमारी सरकार की उपलब्धियाँ बड़ी हुई हैं। ठीक इसी तरह से इस चुनाव में भी जनता के बीच जो वादे किए हैं, हमारे यकीन है, उम्मीद है, अपने लीडर पर भरोसा है, उनकी कार्यक्षमता पर कि वो इससे भी ज़्यादा काम करके जनता के बीच दिखाएंगे। रहा सवाल रोजगार का, 22 लाख रोजगार तो हम लोग केवल आईटी सेक्टर में देने का उत्तर प्रदेश के नौजवानों को वादा कर चुके हैं। इसी तरह से जितने टेट बीएड से लेके जितने मैंने कहा संविदा कर्मचारियों की समस्याएं, इनका भी समायोजन से लेके चाहे इनके मानदेय का सवाल हो, समायोजन का सवाल हो, परमानेंट करने का सवाल हो, इन सब सवालों को पूरा करने का संकल्प समाजवादी पार्टी ने लिया है। नहीं, कहीं साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी विभागों में भी 11 लाख पद खाली पड़े हैं, बीजेपी नहीं भरे हैं, हर बार इनके पेपर लीक हुए हैं,
इलाहाबाद जो सबसे बड़ा सेंटर है उत्तर प्रदेश के रोजगार के लिए, नौजवानों की पढ़ाई के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वहाँ पे नौजवान अगर रोजगार की बात करते हैं तो लाठी चार्ज होते हैं उनके लॉजेज में, हॉस्टल्स में। समाजवादी पार्टी जितनी बात कही है मुझे यकीन है कि उससे भी ज्यादा काम करके दिखाएगी और पहले करके दिखा चुकी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि न्यूज़वर्ल्ड इंडिया लगातार रोजगार के मुद्दे पर प्रोग्राम्स करता है, कार्यक्रम करता है और उन्हीं मुद्दों को उठाता है। हमारी प्राथमिकता हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारा न्यूज़वर्ल्ड इंडिया का एजेंडा सिर्फ रोजगार है। बिल्कुल, रोजगार के नाम पर मैंने जैसा कहा वो ट्वीट तक कहानी ना। नहीं, ट्वीट नहीं, पार्टी का घोषणा पत्र है, डॉक्यूमेंट आपके पास है, इसको डॉक्यूमेंट को आप सेफ रखिए। जब न कर पाए, जब न करें तो सरकार में सवाल हमसे करिएगा, आपका अधिकार है, नौजवानों का अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ मैं इस समय आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2014 में जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, 2022 में हम बैठे हैं, अगर अपने वादे पर कायम रहते तो आज 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलता भारत सरकार की तरफ से। और 16 करोड़ नौजवानों को जब रोजगार मिलता तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिलता, पूर्वांचल के नौजवानों को मिलता। साथ ही 2017 के संकल्प पत्र में बीजेपी ने कहा कि 70 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। मेरा बीजेपी के लोगों से सवाल है कि 14 का संकल्प पत्र, 17 का संकल्प पत्र मिला के उत्तर प्रदेश के नौजवानों का जो हिस्सा बनता है क्या आपने दिया? अगर ऐसा होता तो आपसे उम्मीद क्यों होती जनता को? नहीं दिया। मैं वही यही अंतर है, यही अंतर है समाजवादी पार्टी में कि समाजवादी पार्टी जो कहती है करती है और बीजेपी जो कुछ भी कहती है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, चुनाव के जुमले के तौर पे कहती है। अच्छा, MY फैक्टर का जिक्र किया जाता था, इस बार दिख रहा है कुछ असर MY फैक्टर का? देखिए, क्यों आप सीमित करना चाहते हैं आज समाजवादी पार्टी पर? उत्तर प्रदेश के हर किसान को, हर नौजवान को, बुनकर को, व्यापारी को, गरीब को, माताओं बहनों को, महिलाओं को, बच्चियों को, मैं कह सकता हूँ समाज के हर तबके का, जिनका मैं नाम कोड नहीं भी कर पा रहा हूँ, उन सभी को आज भरोसा है हमारे लीडर पर, आज भरोसा है हमारे गठबंधन पर और उन्हें यकीन है। और यकीन इस बात पर है, इस आधार पर है क्योंकि 4 सरकारों में हम लोगों ने, समाजवादियों ने काम करके जनता के बीच दिखाए हैं। धर्मेंद्र जी, बुआ जी से कैसे संबंध है? वो अपनी पार्टी चला रही हैं। जरूरत पड़ी तो? जरूरत पड़ेगी नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता की जरूरत है और जनता इस बार इतना कर दे रही है कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इस बार मतलब लगता है कि समाजवाद परिवारवाद बन के नहीं रहेगा। आपके सामने अंतर महसूस नहीं करना क्या आप? नहीं, मैं लास्ट में क्लोजिंग में कुछ और भी नहीं। चलिए, मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं। आप मेरे परिवार के हो, हमारी लड़की आपके घर में भी आई है, मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, शुभकामनाओं के लिए। अब तो रिश्तेदारी वाली बात आ गई, तो आपने कहा कि बुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का व्यापक आशीर्वाद मिल रहा है और जनता के आशीर्वाद से बड़ा फिर कुछ होता नहीं है। अच्छा, कैसी नेता है मायावती जी? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं, वो अपने दल की नेता है, अपने दल की नेता है। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था हम उनका सम्मान करते हैं। फैक्टर छूट रहा है, आपने कहा कि राजभर जी ने बहुत मेहनत की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वाभाविक है, वो बड़े लीडर हैं, असर पड़ रहा है, उनके आने से लाभ मिला है, बिल्कुल लाभ मिला है। अच्छा, ये अफवाह भी फैल रही है कि राजभर जी को डिप्टी सीएम बनाया जाने की तैयारी है। नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं अफवाहों का जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ आपके बीच। जहाँ तक जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले लीडर्स के बीच बैठ के हो चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व तो वो फैसले आगे देखे जाएंगे। आपने बहुत बड़ा जिम्मा सनी भैया पे छोड़ा है। बिल्कुल, सनी हमारे बहुत जिम्मेदार, समर्पित, संघर्षशील साथी हैं। पूर्वांचल की जिम्मेदारी सौंपी है आपने इनके कंधों पर। बिल्कुल, ये कई जिले से मिला के प्रतिनिधित्व भी तो कर रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र यादव को हम किस भूमिका में देखेंगे? समाजवादी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पे। चलिए धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी बेबाकी से बड़ा समय निकाल के आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आपकी ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र यादव, 2 कदम में। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।